हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाइथन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट डिफॉल्ट मेथड के बारे में। एंड ये पाइथन डिक्शनरी का एक बिल्ट इन मेथड है। ये मेथड रिटर्न करता है एक वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की, इफ की एग्जिस्ट। सो ये सेट डिफॉल्ट मेथड है, ये दो आर्गुमेंट्स लेता है। फर्स्ट वन इज अ की एंड सेकंड वन इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। सो जो की आप स्पेसिफाई करते हैं डिक्शनरी का, उस की को सर्च किया जाता है एंड उस की का वैल्यू ये रिटर्न करता है, अगर की एग्जिस्ट है तो। अगर की एग्जिस्ट नहीं है तो ये क्या करता है, इंसर्ट करता है उस की को विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। सो इसमें दो आर्गुमेंट्स होते हैं, दिस इज योर फर्स्ट आर्गुमेंट, दिस इज योर सेकंड आर्गुमेंट। सो सेकंड आर्गुमेंट जो होता है ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू, ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है। सो सिंपल है गाइस, सेट डिफॉल्ट मेथड में आप एक की लिखते हैं, अगर वो की डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो उस की का वैल्यू आपको रिटर्न किया जाएगा। अगर ये की प्रेजेंट नहीं है तो एक नया की वैल्यू इंसर्ट किया जाएगा एंड वैल्यू क्या होगी, ये डिफॉल्ट वैल्यू। मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट विद एग्जांपल समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो गाइस, स्टूडेंट नाम का एक डिक्शनरी है। अब मैं सेट डिफॉल्ट मेथड का यूज करता हूँ। सेट डिफॉल्ट एक मेथड है। सो आपको डिक्शनरी का नाम लिख के, डॉट नोटेशन लिख के इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ये मेथड दो आर्गुमेंट लेता है, एक मैंडेटरी आर्गुमेंट होता है, एक ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है। सो मैंडेटरी आर्गुमेंट होता है की। सपोज मुझे राज इस की का वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं यहां पे लिखूंगा की राज। ऑप्शनल आर्गुमेंट मैं नहीं लिखता हूं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ये रिटर्न करेगा, ये जो राज है ना, इसका वैल्यू दैट इज अ 13,000, उसको हम स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में, दैट इज अ फी वेरिएबल। इसको मैं प्रिंट करता हूं फी, तो फी वेरिएबल में क्या आया है, वैल्यू 13,000। तो मैं इसे रन करता हूं, रन करने के लिए पाई एग्जाम्पल डॉट पाई, सी हियर आपको 13,000 प्रिंट करके मिल रहा है। अगर ये की एग्जिस्ट नहीं होती है इस स्टूडेंट डिक्शनरी में, सपोज मैं राज की जगह पर राजा लिख देता हूं, सेव करता हूं एंड रन करता हूं, साथ ही साथ मैं डिक्शनरी को भी प्रिंट कर लेता हूं स्टूडेंट, सेव एंड रन। नाउ आप फी देखिए, अब फी क्या है, नन, क्योंकि राजा नाम का की एग्जिस्ट नहीं है स्टूडेंट डिक्शनरी में। सो कौन सा वैल्यू ये रिटर्न करेगा, सो बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल वैल्यू होता है नन। सो डिफॉल्ट वैल्यू का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है नन, वो वैल्यू रिटर्न किया जाता है, दैट इज अ फी। फी में असाइन हो गया नन, देन हम फी को प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट होगा नन। एंड अब स्टूडेंट डिक्शनरी को प्रिंट करने के बाद देखिए क्या आता है, यहाँ पे एक नया की वैल्यू पेयर बन रहा है राजा एंड इसका वैल्यू नन। सो अगर ये की प्रेजेंट नहीं है इस डिक्शनरी में तो एक नया की वैल्यू इंसर्ट हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ नन, ये बेहतर है कि आप कोई यहाँ पे वैल्यू दो। सो राजा की वैल्यू सपोज मैं देता हूं 15,000। सो ये ऑप्शनल होता है गाइस, अगर आप इसको नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन होता है। अब फी का वैल्यू क्या होगा, 15,000। एंड स्टूडेंट में जो नया की वैल्यू पेयर इंसर्ट होगा वो क्या होगा, राजा की एंड 15,000 उसका वैल्यू। चलिए रन करवाते हैं, रन करवाने के बाद देखिए वैल्यू क्या है, 15,000। एंड एक नया की वैल्यू पेयर इंसर्ट हुआ, राजा हैविंग वैल्यू 15,000। सो याद रखना है कि सेट डिफॉल्ट मेथड में अगर की मिलता है तो उस की का वैल्यू रिटर्न किया जाता है, अगर की नहीं मिलता है तो एक नया की वैल्यू पेयर बना के दिया जाता है और इंसर्ट किया जाता है इस डिक्शनरी में। सो इस तरीके से सेट डिफॉल्ट मेथड का यूज करके